नमस्कार, घूमो जी भरके में आपका स्वागत है। मैं अविरल जैन अपने इस ट्रैवल चैनल के जरिए आपको देश के ऐसे अनचूहे जंगों को दिखाना चाहता हूं जो कि भारत देश के इतिहास और सभ्यता को अपने अंदर संजोए हुए है। बेहद ही रोमांचक है लाहौल स्पीति की यात्रा। हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल स्पीति एक तरह से ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ बारिश कभी कभार ही मुश्किल से होती है, लिहाजा लाहौल स्पीति घूमने जाना एडवेंचर्स अनुभव हो सकता है। यहाँ के पहाड़ और पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से बंजर है और शायद ही कोई पेड़ पौधा आपको यहाँ नजर आएगा। यहाँ किसी भी मौसम में बर्फबारी देखने को मिलती है। ट्रैकिंग में दिलचस्पी है तभी स्पीति वैली आपके लिए घूमने की बेहतरीन जगह हो सकती है। यहाँ पहाड़ों से नीचे उतरती नदियाँ भी तेज धार के साथ बहती हैं और यहाँ आसमां का रंग भी कुछ अलग ही नीला है, जो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। ठंडी हवाओं के बीच आपको जगह जगह बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स उड़ते नजर आएंगे, जो इस जगह के कल्चर का प्रतीक है। शहर की भीड़भाड़ से कुछ दूर सुकून से बिताना चाहते हैं तो चले आइए लाहौल स्पीति के बारे में हम आपको बताते हैं और कहां कहां आपको घूमना है इसकी सैर कराते हैं। किब्बर, स्पीति के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है किब्बर, जो काजा शहर से 16 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गांव दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित गांव में से एक है। किब्बर में एक से एक मोनेस्ट्री के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहां जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही यहां के औषधीय पौधे भी मौजूद हैं। की मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री जिसे की गोम्पा भी कहते हैं, काजा रीजन की सबसे अहम मोनेस्ट्री है। स्पीति रिवर की तरफ रुख किए हुए यह मोनेस्ट्री पहाड़ के किनारे पर स्थित है और यही वजह है कि यह क्षेत्र सबसे खूबसूरत लैंडमार्क है। इस मोनेस्ट्री को देखने ऐसा लगता है मानो यह इस पहाड़ी के आखिरी छोर पर टंगी हुई हो। यहाँ आपको बड़ी संख्या में जवान और बुजुर्ग दोनों तरह के बौद्ध भिक्षु नजर आएंगे। कुंजुम पास, 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंजुम पास यानी कि कुंजुम दर्रे को स्पीति वैली के गेटवे के रूप में भी जाना जाता है और यह जून महीने के आखिर में महज कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आपको इस बात का इंतजार करना होगा कि कब ग्लेशियर पिघले और कब आप वहां से गुजर सके। यहां के देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है और यहां से खड़े होकर हिमालय की पहाड़ियों को देखने का नजारा भी अलग ही है। चंद्रताल लेक, इस झील का नाम चंद्रताल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ इसका शेप चांद के आकार का है और इस झील की खासियत यही है कि इसका पानी दिन के समय अलग अलग रंग बदलता रहता है। वैसे तो चंद्रताल झील तक पहुंचने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, आप चाहें तो बातल या कुंजुम पास के जरिए पैदल ही लेक तक पहुंच सकते हैं या फिर सड़क मार्ग के जरिए भी यहां पहुंचा जा सकता है। स्पीति नदी, लाहौल स्पीति की खूबसूरत घाटी को पालने पोसने का काम करती है स्पीति नदी, जो इस हिमालय के कुंजुम रेंज से निकलती है और लाहौल और स्पीति को दो हिस्सों में बांटती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का यह हिस्सा ठंडे रेगिस्तान जैसा है और यहाँ बारिश न के बराबर होती है, लिहाजा इस नदी को बारिश का पानी बिल्कुल नहीं मिलता और इस नदी को पानी ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस इलाके में ज्यादातर इंसानी बसावट स्पीति नदी के किनारे ही स्थित है। तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बेहद ही रोमांचक यात्रा लाहौल स्पीति की यात्रा। लाहौल स्पीति के अंदर हमने आपको बताया कि कौन कौन से जगह आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जगह जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए घूमो जी भर के।